बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स बुक ऑन पेज नंबर 8। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने पेज नंबर 7 आप लोगों को होमवर्क दिया था। आई होप सो आप लोगों ने ये होमवर्क किया होगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ स्टार्ट हुआ है नंबर्स 21 to 30। ठीक है, काउंट द बीट्स एंड ईच एबेकस एंड राइट द नंबर्स। यहाँ पर भी आप लोगों ने ये बीट्स काउंट करने हैं और नंबर लिखना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए आप लोगों को, टी के बार में टेंस के बार में कितने बीट्स नज़र आ रहे हैं, 1 2। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, 2 लिखना है। और वंस में 1 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने 1 लिखना है। इसी तरह ये सारे बीट्स आप लोगों ने काउंट करने हैं, ठीक है। और आप लोगों ने फिर यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारे साथ है 30 के एबेकस को देखिए। 30 में के एबेकस में हमारे पास हैं 1 2 3, कितने हैं, 3 बीट्स है। तो आप लोगों ने यहाँ नीचे क्या लिखना है, यहाँ 3 लिखना है। और वंस के एबेकस में हमारे साथ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो ये क्या बना, ये हमारे साथ 30 बना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये काम आप लोगों ने करना है और साथ में नंबर नेम्स भी याद करने हैं। अच्छा, तो ये पेज नंबर 9 स्टूडेंट्स आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा। ये भी इसी तरह है, यहाँ पर नंबर्स 31 to 40। ठीक है, काउंट द बीट्स एंड ईच एबेकस एंड राइट द नंबर्स। ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, बीट्स को काउंट करना है और साथ में इसके नंबर लिखने हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों ने इसके नंबर्स नेम्स याद करने हैं स्पेशली, ठीक है। एबेकस आप लोगों ने ये काउंट भी करने हैं और साथ में इसके नंबर्स नेम्स याद करने हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आज हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आपका होमवर्क 31 से 40 तक स्टार्ट हुआ है। तो आप लोगों ने होमवर्क के साथ नंबर नेम्स भी याद करने हैं। और साथ में यहाँ पर आप लोग का क्लास वर्क मैंने आपको बताया कि हमारे साथ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 21 to 30। तो ये नंबर नेम्स भी याद करने हैं और साथ में इसका नंबर भी लिखना है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप लोग को इसकी समझ आई होंगी। नाउ थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।